अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसको नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे SBI इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप अपना पिन जनरेशन कैसे कर लेते हैं, तो हम इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हम लाइव आपको डेमो दिखाएंगे कि आप उसे कैसे इंटरनेट बैंकिंग से अपना जो भी नया ATM कार्ड होगा उसका पिन कैसे जनरेट किया जाता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई भी इसके बारे में SBI के बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे, किसकी प्रॉब्लम अगर होंगी आपको, तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर पे और देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे उसे हम जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कंप्यूटर पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हम हमारे SBI में लॉगिन होंगे। SBI में लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे SBI के पेज पे आना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले से आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए, पर्सनल बैंकिंग पे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आप आगे लॉगिन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो यूनो नेट बैंकिंग में हम आ चुके हैं। तो यहाँ से हम अपना जो भी यहाँ पे आपका सर्विस होगा, सर्विस में यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद हम आगे प्रोसेस क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सर्विस में हम जाएंगे, इसमें हम ATM कार्ड सर्विस को यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ATM कार्ड का सेक्शन पूरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें हम यहाँ पे जाएंगे जनरेट, यहाँ पे पिन पे जाएंगे हम यहाँ पे। तो चलिए हम वो भी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे होगा जो वन टाइम पासवर्ड के जरिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वन टाइम पासवर्ड है। इसके बाद आप प्रोफाइल पासवर्ड यूज़ करके भी आप उसे पिन जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है SBI में तो आप यहाँ पे जो वन टाइम पासवर्ड है उसमें कहिए, तो मेरा है तो मैं यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वन टाइम पासवर्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा, इसके जरिए आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं मेरे मोबाइल पे आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पासवर्ड आ चुका है, तो मैं यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें बाद में उसे मैं सबमिट पे ओके कर लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट नंबर पे यहाँ पे शो हो रहा है, उसे अकाउंट नंबर पे मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरा अकाउंट नंबर सही है, जो भी यहाँ पे दिया गया है वो मेरा अकाउंट नंबर सही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते थे कि मेरे अभी यहाँ पे दो कार्ड एक्टिव है, जो अभी यहाँ पे मेरा नया कार्ड आया है इसकी आप यहाँ पे एक्सपायर डेट देख सकते हैं। ये कार्ड एक्टिव है, दो एक्टिव कार्ड मेरे यहाँ पे अवेलेबल है और एक क्लास मेरा जो भी है ATM कार्ड वो क्लोज हो चुका है। तो हम यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे किसी आपका जो नंबर होगा आपका, उस कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। आपका नंबर कार्ड में देख लीजिए, पहले आपके चार अक्षर देख लीजिए, चार डिजिट, और अंत में आपके चार डिजिट देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ मेरे। तो इस मेरा ये जो एक कार्ड जो है ये नया आ गया है, हम उसे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटर टू डिजिट योर डिस्टेंशन नंबर, यानी आपको यहाँ पे पहले दो अक्षर जो भी आपके अंक है ATM में पिन में आपको चार लगते हैं, तो आपको पहले दो आपको यहाँ पे चुनने के हैं और बाद में आपको यहाँ पे जो आप SBI की तरफ से दो आएंगे तब आप सक्सेसफुल आपका जो भी ये पिन है जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा जो चॉइस है वो मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ, मेरे दो अक्षर यहाँ पे मैंने चुन लेता हूँ, दो अक्षर जो होंगे वो मैंने यहाँ पे चुन लिए हैं। तो मैं यहाँ पे उसे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे मुझे एक SMS के जरिए मुझे दो अंक मिले होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं SMS भी आ चुका है मेरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो SBI की तरफ से मुझे दो आ गए हैं यहाँ पे, तो मैं फिर से उसे डाल के लेके मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबमिट में मैं क्लिक कर लेता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सक्सेसफुली जो पिन है वो जनरेट हो चुका है, यानी मेरा जो पिन नंबर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इस तरह मैं अपना जो भी पिन नंबर है मैं उसी प्रकार से मैंने अभी यहाँ पे अपने सामने आपके सामने ही यहाँ पे मैंने उसे जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी ऐसा करके आप अपना जो भी नया एटीएम कार्ड आपके सामने आ गया होगा उसका पिन आप कैसे यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है कि आप ऑनलाइन पर यहाँ पे जो नेट बैंकिंग के यूज़ करके आपको यहाँ पे अपना जो पिन है वो कैसे जनरेट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल वीडियो बना होगा। इस वीडियो को इतनी मेहनत हो चुकी है तो मेरे ख्याल से आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक तो यार बनता है, बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक हमारे सैम मुंडे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।